आज का जो टॉपिक है वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड के कॉजेस, सिम्टम, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले टाइफॉइड है क्या? टाइफॉइड एक प्रकार की एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि मेनली अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब ये क्यों होता है हमारे शरीर में? क्योंकि कंटेमिनेटेड फूड हो, वाटर हो या वेजिटेबल्स हो, मीन संक्रमित पानी खाने के कारण हो जाता है। अगर हम रेगुलरली अपनी हाइजीन पे ध्यान नहीं देते, जैसे ट्रिमिंग नहीं करते हम नेल को, अपने हैंड्स वॉश नहीं करते हैं और गंदी प्लेसों में विजिट करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइफॉइड होने के, क्योंकि हाउस फ्लाई जो होती है वो एक मैकेनिकल वेक्टर की तरह इसमें काम करता है। इसके अलावा हम हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, तो 1829 के आसपास ल्यूस जो थे उनने डिस्टिंग्यूश किया टाइफॉइड को टाइफस फीवर से। इसके अलावा 1975 के अंदर जर्मेनी और फ्यूरर ने टाइफॉइड फीवर के लिए वैक्सीन बनाई, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था उस साल। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि इसका मैग्नीट्यूड ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा रहा है, इसने बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे केसेस अफेक्ट किए हैं, बट इंडिया में ये फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉम्युनिकेबल डिसीज़ की कैटेगरी में इसको रखा गया था। और क्योंकि उस टाइम इम्प्रूव्ड सैनिटेशन नहीं था और इलिटरेसी थी, इग्नोरेंस था, तो जिसके कारण ज़्यादा लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे डिसइन्फेक्टेंट या साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते थे, तो इस बीमारी के इंसिडेंस भी ज़्यादा थे। इसके बाद में अगर हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करें कि ये बैक्टीरिया क्या है और ये इसकी क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये बैक्टीरिया एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि कैप्सुलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है और एक्टिवली मोटाइल है। तो ये एक्टिवली मोटाइल है तो ये एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में बहुत ही आसानी से अपने आप को ससेप्टेबल कर लेता है और डिफरेंट कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता है। ये हीट में सर्वाइव करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है और डिफरेंट केमिकल्स के कारण भी ये मर सकता है, लेकिन ये इंटेस्टाइन के अंदर अगर चला जाता है तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में इसका जो हिस्टोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है, एक वुमेन थी जिनका नाम टाइफॉइड मैरी के नाम से फेमस हुआ, जो कि मैरी मेलोन के उनका नाम था, क्योंकि उनने यूनाइटेड किंगडम में इतने सारे केसेस प्रोड्यूस कर दिए थे, इस वजह से उनका नाम टाइफॉइड मैरी के पड़ गया था। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि ये कॉमनली सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है, तो ये सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है, 5 से 15 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब सवाल ये भी अराइज होता है कि बड़े लोगों को ये अफेक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि बड़े लोगों के अंदर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होने के कारण इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इस वजह से ये नहीं होता है। वुमेन्स हमेशा तर देखा गया है कि इसके अंदर कैरियर ज़्यादा रहती हैं। टाइफॉइड मैरी भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बिना किसी सिम्टम को शो किए बिना बहुत ही लंबे समय तक कैरियर थी टाइफॉइड की। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और अगर हम इसका सीज़न देखें तो मानसून सीज़न बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, जुलाई टू सेप्टेम्बर सबसे ज़्यादा केसेस जनरली टाइफॉइड के देखे जाते हैं। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है, सो जो बैक्टीरिया होता है टाइफॉइड का, वो सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करता है, गंदे खाने या फिर गंदे पानी के थ्रू ये एंटर करता है हमारी बॉडी में, फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद में ये हमारे रेटिकुलो एंडोथील सेल्स के अंदर एंटर करता है। रेटिकुलो एंडोथील सेल्स में एंटर करने के बाद में इसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पियर्स ऑफ पैचेज में ये पहुँच जाता है और वहाँ पर ये अपने कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है। ये आपके लीवर, उसके अलावा ब्रेन और हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। इस वजह से ये टाइफॉइड बहुत ही डेंजरस डिसीज़ हो सकती है अगर आने वाले फैक्टर्स में। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके हम डायग्नोसिस में देख सकते हैं, सो डायग्नोसिस से पहले अगर हम डिस्कस करें कि इसके सिम्टम्स मेनली क्या होते हैं, तो सिम्टम्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले लक्षण इसमें हेडेक, जो कि पहले वीक्स में, ये वेरी करता है वीक्स बाय वीक्स में, तो पहले वीक में हेडेक, बॉडी एके, मेलेजे या फिर लॉस ऑफ एपिटाइट रहता है, मीन्स उसको भूख नहीं लगता है, सर में दर्द रहता है, थकावट महसूस होती है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और फीवर भी उस टाइम नॉर्मल होता है 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद में जब सेकेंड वीक आता है तब इसके सिम्टम्स थोड़े माइल्ड से थोड़े सीवियर होते हैं, इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और उसको थ्रस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा अचानक से फीवर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का, जो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसका जो बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है, पी सूप स्टूल टाइप में होते हैं,
ये एक फैक्टर होता है जो कि इसके सिम्टम में देखा जाता है। और सीवियर स्टेज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शरीर में प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे शरीर के अंदर हेमरेज हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, इसके अलावा अगर हम देखें तो मेनिनजाइटिस, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, और हेपेटाइटिस के सिम्टम भी देखे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे डायग्नोसिस, ये किन किन बेसिस पर डायग्नोसिस होता है। सो डायग्नोसिस के लिए अगर हम देखें तो इसका डायग्नोसिस इतना आसानी से नहीं होता है। और पहले वीक में जो ब्लड हम लेते हैं तो वो ब्लड कल्चर हम करते हैं, उसमें जो रिपोर्ट होती है वो नेगेटिव आती है। और सेकेंड वीक में जब हम दोबारा से विडाल टेस्ट का और ल्यूकोपेनिया का टेस्ट करते हैं, तब इसके अंदर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा थर्ड वीक्स में हमको रिपीटेड विडाल टेस्ट, यूरिन और स्टूल का टेस्ट भी करना पड़ता है ताकि कन्फर्मेटिव टेस्ट आ जाए, क्योंकि जो तीसरे वीक होता है उसमें एंटीबॉडी टिटर हमको शो होता है, जिसके कारण हमको समझ में आ जाता है कि शरीर में प्रॉब्लम हो रही है। सो ये एक बेसिक चीज़ थी। इसके बाद में हम डिस्कस करें कि क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट, सबसे पहले जो पॉजिटिव आ जाता है पेशेंट, उसको सबसे पहले आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, और उसको जब तक रिलीज नहीं किया जाता है, जब तक 2 से 3 स्टूल टेस्ट जो होते हैं वो उसके नेगेटिव ना आ जाए। और सेफेट्रेक्सिन जो है जोन है जो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, और एंटीपायरेटिक्स इसमें दी जाती है। इसके अलावा जो बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए पेशेंट को, और विटामिन सी कंज्यूम करना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो और उसकी इम्यूनिटी बढ़िया हो। और हमको एब्सटेन करना चाहिए अगर मिल्क होता है, क्योंकि कंटेमिनेटेड मिल्क के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। सो हमको बहुत ही एसेंशियल और अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जो कि एक सेफ होना चाहिए। और कोकोनट वाटर कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूट्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूट्स हम यूज़ करें, जिससे डिफरेंट लीवर पे ज़्यादा लोड ना आए। सो ये एक जर्नल टाइफॉइड के बारे में था। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।